उत्तम क्लासेज स्टडी ऑफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अपना एसडी सर। नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारा 10वां लेसन चल रहा था हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन विद पर। उसमें हमने मोनो हेलो एल्केन पढ़ा, उसके बाद में डाई हेलो एल्केन पढ़ा। अब हमने पढ़ते हैं वो है ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन के व्युत्पन्न। एल्केन कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है, और उस एकल आबंध युक्त हाइड्रोकार्बन में से तीन हाइड्रोजन परमाणु तो निकल जाते हैं बाहर, और उसकी जगह तीन हेलोजन परमाणु आ जाते हैं। हेलोजन के अंतर्गत आते हैं हम जान रहे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो, तो वो आ जाते हैं। उससे जो नया यौगिक बनता है, जो विद्युत होकर के या निर्माण होकर के प्राप्त होता है, उस यौगिक को कहा जाता है ट्राई हेलो विद्युत या ट्राई हेलो एल्केन। जैसे हम एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक को लेते हैं, जिसका अणुसूत्र होता है, जैसे एक कार्बन वाले का क्या होता है भाई, मेथेन CH4। अब इस मेथेन में क्या होता है कि तीन हाइड्रोजन परमाणु इसमें से चले जाएंगे बाहर, और उसकी जगह तीन हेलोजन आ जाते हैं। तीन हाइड्रोजन तो निकल जाता है बाहर, और उसकी जगह प्रवेश क्या कर जाते हैं, तीन हेलोजन। जैसे तीन हेलोजन परमाणु इसमें प्रवेश करेंगे तो अणुसूत्र क्या बन जाएगा भाई, CH तो है ही है, और तीन हेलोजन आकर के जुड़ जाएंगे तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा, CHX3। क्या बन जाएगा, CHX3। इसको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोल देंगे, ट्राई मतलब तीन के लिए, एक्स के लिए हेलो, और इसके लिए क्या बोल देंगे, एल्केन। ट्राई हेलो हेलो मेथेन या ट्राई हेलो एल्केन, ये बन गया भाई। अब इस हेलोजन में हम जानते हैं चार तरह के यौगिक होते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो। अगर वो चारों इसके अंतर्गत आए, चारों इसमें समाहित हो, तो कौन कौन से यौगिक बनेगा। अगर इसमें फ्लोरीन जुड़े, क्लोरो जुड़े, तो अणुसूत्र क्या बन जाएगा, CHF3। क्लोरीन जुड़े तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा, CHCl3। ब्रोमीन जुड़े तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा, CHBr3। आयोडीन जुड़े तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा, CHI3। हो गए चारों अणुसूत्र, चार अलग अलग जुड़ गए, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो। फ्लोरीन जुड़ेगा तब इसको बोलेंगे फ्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे भाई, फ्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरीन जुड़ेगा तब उसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन जुड़ेगा तब इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। क्या बोलेंगे, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। और अगर आयोडीन जुड़ेगा तब उसको बोलेंगे हम आयोडोफॉर्म। क्या बोलेंगे, आयोडोफॉर्म, आयोडो फोर। ये चार हेलोफॉर्म हो गए या हेलोजन व्युत्पन्न हो गए। ट्राई हेलो व्युत्पन्न पढ़ रहे हैं या ट्राई हेलो एल्केन के व्युत्पन्न पढ़ रहे हैं। ये चार होते हैं, उन चार में से हमारे सिलेबस में ये दो है, एक तो ट्राई क्लोरोफॉर्म और एक है आयोडोफॉर्म। इन दोनों का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास होगी वो हमारी होगी क्लोरोफॉर्म के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म, क्लोरो फॉर्म, जिसका अभी हमने देखा अणुसूत्र क्या होता है, CHCl3। क्या होता है, CHCl3। अगर इसके IUPAC नाम की बात की जाए तो इसका अणुसूत्र है ये कार्बन है, इस कार्बन से तीन तो जुड़े हुए Cl, ये जुड़ गए तीन Cl, एक क्या जुड़ा हुआ, H। अगर IUPAC नामकरण करें तो इस कार्बन परमाणु की संख्या एक ही है, हेलो तो एक पर भी कितने जुड़े हुए, ClClCl, तीन जुड़े हुए, तीनों एक किससे जुड़े हुए, पहले कार्बन से जुड़े हुए, इसको सी फर्स्ट बोल दिया जैसे मान लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक पर तीन जुड़े हुए, इसलिए 111, तीन बार जुड़ा हुआ, तीनों सीएल के लिए 111, तीन है इसलिए क्या आ जाएगा, ट्राई। सीएल के लिए क्या बोल देंगे इसको, क्लोरो, 111 ट्राई क्लोरो। कार्बन एक है मेथ, और एल्केन है पीछे प्राथमिक अणु लगन के रूप में लगा लिया एन। ये हो गया इसका IUPAC नाम। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है, कि होता है 111 ट्राइक्लोरोमेथेन। ये होता है इसका कौन सा नाम, IUPAC नाम। अब हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म का विरचन। तो अगली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्लोरोफॉर्म का विरचन, क्लोरोफॉर्म का विरचन। विरचन कह दो भले, या फिर हम कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां, अलग अलग विधियां पढ़ेंगे, पांच अलग अलग विधियों के द्वारा क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करेंगे। उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट विधि है वो है लैब में,
कहां पर भाई? लैब में, या आप इसको बोल सकते हो प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। अब इसमें होता क्या है, अलग अलग स्टेप में अभिक्रियाएं होगी, अलग अलग यौगिकों को मिलाएंगे। पहले इसको संयुक्त रूप से हम परिभाषित करते हैं कि ये अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में होता क्या है। तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले लिया जाता है एल्कोहल को, एल्कोहल में लिया जाता है एथेनॉल को, एल्कोहल को लेता है। उसके अलावा अगर एल्कोहल अवेलेबल नहीं है तो ऑप्शन करके, या करके एल्कोहल नहीं है तो वहां पर ले सकते हैं एसीटोन, कीटोन है जिसका अनुसूत्र होता है CH3CO CH3, या तो एथेनॉल या फिर एसीटोन। इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड CaOCl2 के जलीय विलयन के साथ। किसके साथ करवाई जाती है? एथेनॉल और एसीटोन की अभिक्रिया करवाई जाती है विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन के साथ। इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं तो प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म। क्या बनता है भाई? क्लोरोफॉर्म। इस अभिक्रिया को, ये जो पूरी अभिक्रिया है, इस पूरी अभिक्रिया को बोलते हैं, ये अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इसलिए इस संपूर्ण अभिक्रिया को कहा जाता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। लैब में जो रिएक्शन होती है या प्रयोगशाला में जो रिएक्शन होती है उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो अगर एक नंबर की आपसे कोई पूछ ले हेलोफॉर्म, व्हाट इज मींस ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है एल्कोहल की अभिक्रिया है। एल्कोहल में भी कौन सा एल्कोहल? एथेनॉल। एथेनॉल और एसीटोन की, एथेनॉल या एसीटोन की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन के साथ करवाई जाती है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, जो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अब इसमें अभिक्रिया क्या होती है, किस पदों में ये पूर्ण होती है? तो सबसे पहले पद नंबर एक कह सकते हैं हम, या तीर का चिन्ह करके भी लिख सकते हो। पहले पद में क्या होता है कि ये विरंजक चूर्ण CaOCl2 जल के साथ अभिक्रिया करता है, नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करता है। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? नवजात ऑक्सीजन, सॉरी नवजात क्लोरीन को मुक्त करता है CaOCl2। ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ। जब ये अभिक्रिया करता है तो ये OH और ये O है, तो OH आयन बन जाएंगे दो, ये नवजात ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर, मतलब ये यौगिक बन जाता है। यहां पर एक तो बन जाता है CaOH का होल 2H, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। क्या बनती है? नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। क्या बनती है भाई? नवजात क्लोरीन प्राप्त होती है। अब ये जो नवजात क्लोरीन है ये आगे क्रिया करती है, किसके साथ अभिक्रिया करती है? यहां पर मान लिया जैसे हमने एथेनॉल लिया, क्या लिया? एथेनॉल। ये है जैसे पद नंबर दो, दूसरे पद में यह अभिक्रिया होगी CH3CH2OH, यह अभिक्रिया करता है इस 2Cl नवजात ऑक्सीजन के साथ, सॉरी नवजात क्लोरीन, उस नवजात क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। जब यह अभिक्रिया करता है ये दोनों H, इन दोनों Cl के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है 2HCl। क्या बना लेता है? ये 2H और ये Cl 2HCl बना लेगा, पीछे क्या बचेगा? ये बच जाएगा पीछे CH3CHO, और ये इसके साथ जब अभिक्रिया कर लेगी तो अभिक्रिया करके क्या बना लेगी? 2HCl। के रूप में निकल जाएगी बाहर, ये बन गया क्या? एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड वापस पुनः नवजात क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, तीसरे पद में अभिक्रिया होती है, CH3CHO है, ये नवजात क्लोरीन के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है? नवजात क्लोरीन के साथ। नवजात क्लोरीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर क्लोरीन का परमाणु है। ये Cl इन तीन H के साथ अभिक्रिया करके 3HCl बना लेगी, और तीन यहां से H जाएंगे उसकी जगह Cl जुड़ जाएंगे, तो टोटल क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या कितनी चाहिएगी? 6। ये इसके साथ जब अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा भाई, CH3 था वहां पर Cl आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CCl3। फिर पीछे क्या है? CHO, ये बन गया CHO प्लस ये Cl के तीन अणु इन H के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? 3HCl, 3HCl के रूप में निकल जाएगा बाहर। इसको बोलते हैं क्लोरेन। क्या बोलते हैं? क्लोरेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्लोरेन है जो वापस आप अभिक्रिया करेगा, जिसमें पहले पद में क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ अभिक्रिया करेगा। ये इस प्रकार की चौथे पद में अभिक्रिया होगी, यह है सी ए
OH का होल ब्रांच। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये अभिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का अणुसूत्र क्या है? CCl3CHO के दो अणु ले लिए, CCl3CHO, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहां से ये निकल जाएगा H, इसके साथ अभिक्रिया करा लेगा, बना लेगा क्लोरोफॉर्म। ये भी इसके साथ अभिक्रिया करके बना लेगा क्लोरोफॉर्म। एक ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया, कितने अणु बन गए? दो, तो बन जाएंगे 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म के अणु। प्लस सह उत्पाद के रूप में बाहर क्या निकलेगा? ये CA, ये था एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड CHO समूह, ये भी क्या है? एल्डिहाइड CHO समूह, ये भी CHO समूह है, ये भी CHO समूह है। एक और आ गया तो क्या बन गया? SCCOOH, COOH किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? इसके साथ कैल्शियम आयन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट, CaCOOH का होल ब्रांच। ये सह उत्पाद निकल जाएगा बाहर, और ये क्या बन गया भाई? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। वापस इसको एक बार वापस देखते हैं, सरल वे में पूछ ले हेलोफॉर्म अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो एथेनॉल या एसीटोन की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन के साथ करवाई जाती है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अपने दिमाग में सेटअप कर लेना, वापस एक बार समझ लेना, अभिक्रिया क्या करती है भाई? एथेनॉल या एसीटोन, एथेनॉल या फिर क्या ले सकते हो? एसीटोन, एथेनॉल या एसीटोन की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के जलीय विलयन के साथ करवाई जाती है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें अभिक्रिया कैसे होती है? तो ये अभिक्रिया वो चार अलग अलग स्टेप में पूर्ण होती है। सबसे पहले विरंजक चूर्ण का जलीय विलयन या विरंजक चूर्ण जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है नवजात क्लोरीन। क्या बनाता है? नवजात क्लोरीन, और सह उत्पाद के रूप में बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आगे काम आएगा। ये नवजात क्लोरीन एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है एल्डिहाइड। क्या बनाता है? एल्डिहाइड, एथेनॉल भी कह सकते हैं इसको, एल्डिहाइड बनाएगा या एसिड एल्डिहाइड बनाता है। ये एसिड एल्डिहाइड नवजात क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है क्लोरीन। क्या बनाता है? क्लोरीन। ये क्लोरीन जो पहले पद में बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? क्लोरोफॉर्म का। इस अभिक्रिया को कहा जाता है कौन सी अभिक्रिया? हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म अभिक्रिया, जो काम बनाई जाती है या काम आती है लैब में काम आती है। ठीक है, अब ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट। क्लोरोफॉर्म बनाने के वर्जन में पहली अभिक्रिया पड़ी थी लैब में, जिसको हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जानकारी में रखना। अलग अलग स्टेप, चार स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण हुई थी। क्लोरोफॉर्म बनाने की दूसरी विधि है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। किससे? सोडियम हाइपोक्लोराइड से, जिसका अणुसूत्र होता है NaOCl, NaOCl। अब ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये एसीटोन के साथ या कीटोन के साथ अभिक्रिया करता है, और जब इसकी अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाई जाती है तो प्राप्त होता है ट्राईक्लोरोएसीटोन। क्या बनता है? ट्राईक्लोरोएसीटोन या ट्राईक्लोरोकीटोन बनता है। और ये जो ट्राईक्लोरोकीटोन बनता है वो सार के साथ अभिक्रिया करता है, और सार के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? हेलोफॉर्म का निर्माण करता है। मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ये है जैसे Na, पहले ले लेते हैं एसीटोन, जैसे ये है एसीटोन CH3 COOH3। इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ? सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करवाई जाती है। ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र NaOCl। इसके अणुओं की संख्या ले ली जाती है तीन। कितने अणु ले लिए जाते हैं? तीन। जब इन तीन अणुओं की इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये Cl बाहर निकलेगा, ये NaO इस H के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है NaOH। क्या बना लेता है भाई? NaOH। जैसे ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो निकल जाएगा बाहर, और ये तीन Cl यहां पर आकर के जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा? CH3 C OOC Cl3, और सह उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा? 3NaOH। इसको बोलते हैं ट्राईक्लोरो, तीन है Cl के अणु है, ट्राईक्लोरो एसीटोन। क्या बन जाएगा भाई? ट्राईक्लोरो एसीटोन। अब ये ट्राईक्लोरो एसीटोन आगे अभिक्रिया करता है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CCl3 C OOCH3। इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है सार के साथ, NaOH के साथ करवाई जाती है। जैसे इसके साथ अभिक्रिया करेंगे, CCl3 इस H को अपने साथ ले लेता है, अपने साथ ले लेगा और बना लेगा क्या? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 बना लेगा। ये H यहां से निकल गया, पता क्या है? CNaO, ये NaO इसके साथ अभिक्रिया करता है तो ये बन गया R
COON कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण बन जाता है? सोडियम लवण, ये बन जाता है भाई। इसको R भी लिख सकते हैं, नहीं तो CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये O और ये बन गया Na, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। और हमें क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया भाई? क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की दूसरी विधि हो गई। कौन सी विधि है? सोडियम हाइपोक्लोराइड से। इसमें दो पदों में प्रतिक्रिया पूर्ण होती है। पहले पद में एसीटोन CH3COCH3 को क्या बोलते हैं? एसीटोन। एसीटोन हाइपोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है ट्राइक्लोरोएसीटोन। और ट्राइक्लोरोएसीटोन किसके साथ अभिक्रिया करता है? सार के साथ। NaOH लिया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। KOH लोगे कौन सा लवण बन जाएगा? पोटेशियम लवण बन जाएगा। ये अभिक्रिया नंबर हो गई दो। अब हम देखते हैं अभिक्रिया नंबर तीन। तीसरी अभिक्रिया है क्लोरेल हाइड्रेट से। क्लोरल भी बोल सकते हो या क्लोरेल भी लिख सकते हो। क्लोरल हाइड्रेट से, हाइड्रेट से क्लोरल। अभी हमने देखा था CCl3CHO होता है, क्लोरल हाइड्रेट CHO होता है। उसमें कार्बन जो दूसरा कार्बन होता है उस दोनों संयोजकता पर, दोनों मुख्य संयोजकता होती है, दोनों पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है। मतलब उसका अणु सूत्र होता है ये CCl3C और यहां पर एक तो जुड़ा हुआ H और दोनों संयोजकता पर क्या जुड़ जाते हैं? OH। यहां पर भी क्या जुड़ जाता है? OH। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये सी लिख दिया, ये H, ठीक है। अब यह अभिक्रिया करता है किसके साथ? करता है सार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये लिख दिया मैंने NaOH, NaOH। जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये यहां से निकल जाएगा बाहर H2O। क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। ये H इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला गया। क्या बन गया इसके साथ जाते? क्लोरोफॉर्म। हमें बनाना क्या है? क्लोरोफॉर्म बनाना है। ओके, ये हो गया हमारा काम, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। CHCl3 तो बन गया, ओके। फिर क्या बन गया? H2O बन गया, ये जल का अणु बन गया। पीछे क्या बच गया? ये बच गया HCOO और एक क्या बन गया? N। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, HCOON। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण बन गया? सोडियम लवण। ये बन गया जल और ये हमें क्या प्राप्त हो गया भाई? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि नंबर हो गई तीन। क्लोरल हाइड्रेट से, इसका नाम क्या है? क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट की अभिक्रिया सार के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? सार के साथ। किसका निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म का। सह उत्पाद के रूप में बाहर क्या निकल जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और जल। ये अभिक्रिया नंबर हो गई भाई कितनी? तीन। अब हम अभिक्रिया नंबर देखते हैं चार। और चौथी अभिक्रिया हमारे भाई कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, CCl4 से। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अगर अपचयन किया जाता है अम्ल, ये जलीय विलयन की उपस्थिति में या आयरन और जल की उपस्थिति ले सकते हैं हम, तो अपचयन करते हैं तो प्राप्त होता है क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अणु सूत्र क्या है? CH CCl4। इसका अपचयन करते हैं मतलब हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। किसकी उपस्थिति में? आयरन के जलीय विलयन की उपस्थिति में, Fe और क्या है? H2O। जब करवाएंगे तो यहां से एक H इस Cl के साथ, यहां से Cl, यहां से H अभिक्रिया करके बनानेगा HCl, और एक H यहां पर जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा CHCl3 प्लस एक H इस Cl के साथ अभिक्रिया करके बनानेगा HCl बार। तो हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? दो, एक तो HCl के रूप में बाहर जा रहा है, एक अंदर प्रवेश कर रहा है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी प्रयुक्त हो गई? दो। और ये क्या बन गया हमारा? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो ये अपचयन अभिक्रिया भी हो गई, ये भी कह सकते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड से या कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अपचयन से। लास्ट एक अभिक्रिया और है, वो है मेथेन के क्लोरीनीकरण से, मेथेन के क्लोरीनीकरण से। क्लोरीनीकरण का मतलब क्या होता है भाई? Cl2 के साथ अभिक्रिया करवानी प्रकाश की उपस्थिति में, जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तीन स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण होती है, जो हमने पहले क्रिया विधि में पढ़ा है। अगर आपने इसका अवलोकन नहीं किया तो पहले आप देख सकते हो।
और जब क्लोरीनीकरण करेंगे मेथेन का तो मोनो डाई ट्राई वे टेट्रा हेलो एल्केन का निर्माण होता है, और टेट्रा हेलो एल्केनों को जो पृथक्करण किया जाता है, पृथक किया जाएगा क्लोरोफॉर्म को, वो पृथक करने वाली विधि अगर आप सोचते हो देखा है अभी पहले वीडियो तो आप बता सकते हो उनका पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है, पर बाजी आसून के द्वारा किया जाता है जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है। और अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आराम से आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। जैसे ये है मेथेन का अनुसूत्र होता है CH4, इसका करता है हम क्या क्लोरीनीकरण Cl2 के उपस्थिति में, मंद प्रकाश अंधेरे में करवाएंगे तभी क्रिया होगी नहीं, ये हमने पहले देखा। सूर्य के तेज प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो HCl बन जाती है, कार्बन का धुआं राख बन जाती है, वो भी अभिक्रिया नहीं होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको हम लिख सकते हैं Hμ या सूर्य का मंद प्रकाश। जब करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ अभिक्रिया करके निकल जाएगा बाहर, और इसके परिणाम स्वरूप हमें मोनो डाई ट्राई टेट्रा सबका मिश्रण प्राप्त होता है। मोनो बनेगा तो यह बन जाएगा CH3Cl, डाई बनेगा तो बन जाएगा CH2Cl2, ट्राई बनेगा CHCl3 और टेट्रा बनेगा CCl4। सबका मिश्रण प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? सबका मिश्रण। और ये जो मिश्रण बना मोनो डाई टेट्रा मिश्रण, इस मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? परबाजी आसवन के द्वारा पृथक किया जाता है, और परबाजी आसवन के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा भाई? क्लोरोफॉर्म। यह अभिक्रिया हो गई मेथेन के क्लोरीनीकरण से, या हेलोफॉर्म बनाने की विधि, विधि नंबर एक लैब में, विधि नंबर दो सोडियम हाइपोक्लोराइड से जिसका अनुसूत्र होता है NaOCl, विधि नंबर तीन क्लोराइड हाइड्रेट से, विधि नंबर चार कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन से, और विधि नंबर पांच मेथेन के क्लोरीनीकरण से। दो तीन इंपोर्टेंट अभिक्रिया तीनों लिखी, जो वो मेथेन के क्लोरीनीकरण करते हैं तो मिश्रण प्राप्त होगा, उसका पृथक्करण भी इंपोर्टेंट है जो पहले भी पढ़ चुके हैं किसके द्वारा? परबाजी आसवन के द्वारा। अब हम देखते हैं हेलो क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणधर्म। अब हम देखते हैं भाई क्लोरोफॉर्म के कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। विरचन हो गया, पांच लिखिया, भौतिक गुणधर्म देखेंगे तो सरल से भौतिक गुणधर्म है क्लोरोफॉर्म में, वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन, कोई इसका विशेष रंग नहीं होता, रंगहीन, मीठी गंधयुक्त, मीठी गंधयुक्त, मीठी गंधयुक्त, द्रव प्रावस्था में होता है, द्रव प्रावस्था में पाया जाता है। दूसरी बात की जाती है इसकी प्रवृत्ति होती है, वो अध्रुवीय प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति का होता है? अध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, अध्रुवीय प्रवृत्ति होती है। और अध्रुवीय प्रवृत्ति होती है तो आप समझ गए होंगे ये जल में तो अविलय होगा, कार्बनिक विलायकों में क्या होगा? विलय। तो हम ये कह सकते हैं अध्रुवीय प्रवृत्ति का है तो जल में क्या है? अविलय है। जल में अगर इसको बोलना चाहते हो जल में ये क्या नहीं होगा? घुलेगा नहीं, अविलय रहेगा। और कार्बनिक विलायकों में ये क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। फिर एक इसकी और भी विशेषता होती है कि अगर क्लोरोफॉर्म का आधिक्य, क्लोरोफॉर्म का आधिक्य या क्लोरोफॉर्म को आधिक्य में सूंघा जाता है तो मनुष्य है वो बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। अगर क्लोरोफॉर्म की सांद्रता बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है ppm में, तो मनुष्य को मृत्यता उत्पन्न होती है, मतलब बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। ये क्लोरोफॉर्म के सामान्य भौतिक गुणधर्म हो गए। एक तो रंग इसका होता नहीं है, दूसरा ये मीठी गंध वाला होता है, गंध मीठी महसूस होती है परंतु जब ज्यादा मात्रा में सूंघ लेते हैं तो बेहोश हो जाता है। अध्रुवीय प्रवृत्ति का है, इसका जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय। ये तो हो गए क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणधर्म। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लेना, सेटअप कर लेना, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता, शुद्धता का परीक्षण। तो कई बार पूछते हैं जो दिया गया क्लोरोफॉर्म में शुद्ध है अशुद्ध है उसकी जांच कैसे करते हैं? जो दिया गया क्लोरोफॉर्म में वो शुद्ध है अशुद्ध है उसकी जांच कैसे करते हैं? तो उसकी जांच की जाती है भाई अगर क्लोरोफॉर्म शुद्ध है, यहां पर लिख देता हूं मैं शुद्ध क्लोरोफॉर्म, कैसा है? शुद्ध। और शुद्ध क्लोरोफॉर्म की अगर अभिक्रिया करवाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का अनुसूत्र होता है AgNO3, इसके साथ अगर हम अभिक्रिया करवाएंगे किसकी? शुद्ध क्लोरोफॉर्म की, तो यहां पर आगे कोई भी अवक्षेप नहीं होगा, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है मीन्स दिया गया क्लोरोफॉर्म कौन सी प्रावस्था में? शुद्ध प्रावस्था में। परंतु अगर दिया गया क्लोरोफॉर्म, जो हमें क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, और वो अशुद्ध है, क्या है? अशुद्ध। अगर अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है तो उसमें अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में होता है भाई HCl,
क्या होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाष्प परावस्था में पाई जाती है, और HCl जो AgNO3 इसके अंदर मिलाएंगे तो ये HCl AgNO3 के साथ अभिक्रिया करती है और ये अभिक्रिया करके बना लेता है AgCl जिसका हमें प्राप्त होता है श्वेत अणु से। ये AgCl के साथ अभिक्रिया करके बना लेगी क्या AgCl, AgCl और AgCl बनने के कारण कैसा अणु से प्राप्त होता है श्वेत, श्वेत अणु से प्राप्त होता है और सह उत्पाद के रूप में बाहर क्या निकल जाएगा HNO3, क्या बाहर निकल जाएगा HNO3 और ये कैसा अवक्षेप बन गया श्वेत अवक्षेप। ये श्वेत अवक्षेप कौन सा क्लोरोफॉर्म देता है अशुद्ध क्लोरोफॉर्म देता है। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जानकारी में रखना। क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, तो काम में लिया जाता है AgNO3 को। शुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा तो कोई अवक्षेप नहीं देगा, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म होगा श्वेत अवक्षेप देगा। क्यों श्वेत अवक्षेप देता है, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में होती है HCl जो AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके बनाता है AgCl का श्वेत अवक्षेप। ये हो गए इनके शुद्धता का परीक्षण भौतिक गुणधर्म बनाने की विधियां। अब ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट। ये तो हो गए भाई हमारे भौतिक गुणधर्म क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। अब हम बढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म या क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुणधर्म। तो अलग अलग यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग प्रकार के रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। पहला रासायनिक गुणधर्म है इसका ऑक्सीकरण, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार आपको एग्जाम में इससे संबंधित सवाल मिलते हैं और ऐसा भी पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में अंधेरे में रखा जाता है क्यों। तो उसका कारण यह है कि क्लोरोफॉर्म को अगर प्रकाश के संपर्क में रखा जाता है, किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रकाश के संपर्क में रखते हैं तो भी ये अपघटित हो जाता है, एक विषैले गैस का निर्माण करता है फोस्टीन का। इसलिए क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में, और अंधेरे में भी कौन सी बोतलों में, रंगीन बोतलों में रखा जाता है ताकि अंधेरे में अगर कोई प्रकाश भी आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए तो उनके साथ क्रिया करके वो अपघटित नहीं हो। अगर प्रकाश से संपर्क में आएगा और बोतल रंगीन नहीं है तो वो पारदर्शी में होकर के क्रिया करके फोस्टीन गैस का निर्माण कर देगा। बोतल खोलेंगे फोस्टीन गैस बाहर निकल जाएगी और बोतल हमें वो कैसी दिखाई देगी, खाली दिखाई देगी या खाली प्राप्त होगी। इसलिए इसको अंधेरे में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है CHCl3, अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, या जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, ऑक्सीजन है प्रकाश भी मिलेगी डायरेक्ट मिलेगी, जैसे ही आएगा ये अपघटित हो जाएगा, किसमें अपघटित हो जाता है फोस्टीन में, जिसका अणुसूत्र होता है COCl2, COCl2, और जो H है इसके साथ अभिक्रिया करके बना लेता है H2O, सॉरी H है एक Cl के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा HCl, ऑक्सीजन का एक अणु प्रयुक्त हुआ तो यहां पर हो जाएगा हाफ O2, या दो अणु लेकर भी अभिक्रिया को पूरा करा सकते हो। यह क्या बन गई, एक विषैली गैस है जिसका नाम क्या है फोस्टीन, फोस्टीन जो बहुत हानिकारक गैस होती है, विषैली गैस है, और इसके विषैले प्रभाव को कम करने के लिए, विषैले प्रभाव को कम करने के लिए फोस्टीन तो बनेगी बनेगी क्योंकि प्रकाश अति अल्प मात्रा में मिलता है, वो भी क्लोरोफॉर्म को मिल सकता है, इसलिए इसके विषैले प्रभाव को कम करना है तो कम करने के लिए मिलाया जाता है 1%, इसके विषैले प्रभाव को कम करना है तो कम करने के लिए मिलाया जाता है 1% एथेनॉल, किसके विलयन को मिलाया जाता है 1% एथेनॉल के विलयन को मिलाया जाता है। तो ये भी कहते हैं कि फोस्टीन के विषैले प्रभाव को कम करने के लिए क्लोरोफॉर्म में किसको मिलाया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म में मिलाया जाता है एथेनॉल, और एथेनॉल को कौन सा विलयन मिलाया जाता है 1% एथेनॉल का जलीय विलयन मिलाया जाता है, जिसमें ये इसके साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके बना लेता है डाई एथिल कार्बोनेट, किसका निर्माण कर लेता है डाई एथिल कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। जैसे फोस्टीन गैस का अणुसूत्र है ये, ये सी डबल बॉन्ड ओ और Cl2, ये Cl और ये Cl2, मिलाया क्या जाता है एथेनॉल, ये मिला दिया हमने एथेनॉल, अणुसूत्र क्या है C2H5OH, तो ये हो गया C2H5OH, यहाँ पर भी एथेनॉल मिलाते हैं, ये हो गया C2H5OH। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, ये भी अभिक्रिया करेगा क्या बाहर निकल जाएगा HCl, और ये बन गया डाई एथिल कार्बोनेट जिसका अणुसूत्र हो गया इस प्रकार का, ये O डबल बॉन्ड C, ये O C2H5, यहां पर भी ये O C2H5 जिसको बोलते हैं डाई एथिल कार्बोनेट, कार्बोनेट, और सह उत्पाद के रूप में बाहर क्या निकल जाएगा 2HCl, क्या निकल जाएगा 2HCl। ये हो गई कौन सी अभिक्रिया भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। एग्जाम से संबंधित सवाल आते हैं यहाँ पर, दो तरह के आते हैं। पहला ये आता है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि जब प्रकाश में या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है क्लोरोफॉर्म, तो किसमें उत्पादित हो जाता है? पोस्टिन में, इसलिए रंगीन बोतलों में अंदर में रखा जाता है। दूसरा, इसके पोस्टिन के विषैले प्रभाव को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? एथेनॉल। एथेनॉल मिलने पर होता क्या है? तो एथेनॉल किसका निर्माण करता है? डाई एथिल कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो कम विषैली प्रवृत्ति का होता है। अब हम इसके रासायनिक गुणधर्म में दूसरा गुणधर्म पढ़ते हैं, वो है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया या अपचयन, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करवानी है। किसका अपचयन करना है? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का अपचयन हमेशा होता है जिंक अम्लगम के ऊपर, जिंक के अम्लीय विलयन के साथ, Zn plus HCl के साथ ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये है जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करवानी है, और ये अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है वो उत्प्रेरक होता है Zn plus HCl। Zn plus HCl जैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे, यहां पर अगर हाइड्रोजन का परमाणु एक लेंगे तो ये एक इसके साथ अंदर जुड़ जाएगा, यहां से पार निकल रहा है, निकाल देगा एक 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 इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो एक तो निकल जाएगा HCl के रूप में बाहर, और एक इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2Cl2 प्लस एक निकल जाएगा HCl के रूप में बाहर। और अगर आधी के में अपचयन करवाए, मतलब ज्यादा परमाणु के साथ, मतलब ये अभिक्रिया होगी CHCl3, इसमें तीन Cl है तो यहां पर परमाणु की संख्या ले ली 6। कितने परमाणु ले लिया हाइड्रोजन के? 6। Zn प्लस HCl के ऊपर से हम करवाते हैं, तीन इसके साथ अभिक्रिया करते 3HCl बना लेगा, बाकी इसके साथ जुड़ जाएंगे क्या बन जाएगा? CH4। मैथेन का निर्माण हो गया, और बाकी वाले तीन हाइड्रोजन है वो इसके साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेंगे भाई? 3HCl का। 3HCl का दो लेंगे तब बन जाएगा डाइक्लोरोमेथेन, और 6 लेंगे तब क्या बन जाएगी? मेथेन। ये अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म में अभिक्रिया नंबर दो। तीसरी अभिक्रिया है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानकारी में रखना, हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है, कैसे आता है वो भी बताएंगे, वो है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? एसीटोन के साथ अभिक्रिया। कई बार तो सीधा बोलते हैं क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ अभिक्रिया लिखो, तो क्लोरेटोन बनता है। क्या बनता है? क्लोरेटोन। कैसे बनता है? उसके लिए अभिक्रिया लिख रहे हैं हम, क्लोरोफॉर्म मीन CHCl3। CHCl3 अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? एसीटोन के साथ। एसीटोन का अणुसूत्र क्या होता है? ये होता है CH3COCH3। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इसको अगर हम खोल के लिखें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये जैसे एसीटोन बना दिया, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये CH3, ये CH3। ओके, अभिक्रिया किसके साथ करवानी है? क्लोरोफॉर्म के साथ करवानी है। क्लोरोफॉर्म को मैंने इस प्रकार से लिख दिया HCCl3। एक ही बात है, चाहिए लिखो चाहिए लिखो। अब ये अभिक्रिया करते हैं आपस में, तो अभिक्रिया में क्या होता है कि ये H है वो चला जाता है ऑक्सो समूह पर। कहां पर चला जाता है? ऑक्सो समूह पर। तो ऑक्सो को परिवर्तित कर देता है हाइड्रोक्सो में, और ये CCl3 है ये सीधा ही चला जाता है किस पर? कार्बन पर। किस पर चला जाता है? कार्बन पर। जब अभिक्रिया होगी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? यहां पर क्या है? CH3, ये C, यहां पर क्या है? CH3, ये ऑक्सो समूह है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? हाइड्रोक्सो समूह में, ये हो गया OH समूह में। ऊपर जो है वहां पर सीधा ही प्रतिस्थापित क्या हो जाएगा? CCl3, ये प्रतिस्थापित हो गया CCl3, इसको बोलते हैं क्लोरेटोन। क्लोरेटोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक होता है जो औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। इस औषधि को कहा जाता है निंद्राकारी औषधि, निंद्राकारी औषध। अगर आपको नींद नहीं आ रही है लॉकडाउन में तो आप इस औषधि का उपयोग कर सकते हैं। इसका कर सकते हो, क्लोरेटोन औषधि का उपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण आप लॉकडाउन में स्टे होम रह सकते हो। जैसे ही अभिक्रिया कराओगे तो ये बन जाएगा, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3, ये कार्बन, यहां पर भी CH3, एक हो गया OH, एक क्या जुड़ गया? CCl3। इस यौगिक को क्या बोलते हैं? निंद्राकारी औषधि, निंद्राकारी औषध बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और कई बार एग्जाम में पूछी गई अभिक्रिया है। किसकी किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? तो ये तो क्या है हमारा? क्लोरोफॉर्म है। क्या है? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? एसीटोन के साथ करवाई। ये जो यहां पर लिखा हुआ वो क्या है? एसीटोन।
तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करेगा, किसका निर्माण होगा? क्लोरेटोन का। इंपॉर्टेंट है, जानकारी में रखना, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? निंद्राकारी को शुद्ध बनाने में किया जाता है। अब हम अभिक्रिया नंबर लेते हैं चार। कौन सी अभिक्रिया लेते हैं? चौथी अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया थी हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वहां पर भी चार 5% बनते हैं, जानकारी में रखना। दूसरी अपचयन अभिक्रिया, तीसरी एसीटोन के साथ अभिक्रिया। अब अभिक्रिया नंबर पढ़ते हैं हम चार। चौथी अभिक्रिया है हमारी वो है नाइट्रीकरण। कौन सी अभिक्रिया भाई? नाइट्रीकरण। और आप जानकारी के लिए रख लेना भाई, नाइट्रीकरण का मतलब होता है NO2 समूह का योग। HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, और अगर कहीं पे भी नाइट्रीकरण है, इसका मतलब कौन से समूह का योग होता है? NO2 समूह का योग होता है। तो परिभाषा दो तो आप ये कह सकते हो अभिक्रिया जिसमें NO2 समूह का योग होता है, जहां NO2 समूह जुड़ता है, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? नाइट्रीकरण। जैसे हेलोजन का योग होता है हेलोजनीकरण, हाइड्रोजन का योग होता है हाइड्रोजनीकरण, सल्फोनिक समूह का योग होता है सल्फोनीकरण, वैसे ही NO2 समूह का योग होता है, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। किसका नाइट्रीकरण करना है? जो हम पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र होता है ये, क्या होता है? CHCl3। इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल का अनुसूत्र होता है HNO3, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं HNO3 को इस प्रकार से लिख दिया। और इसको अगर हम इस प्रकार से नहीं लिख करके ऐसे लिखे ताकि हमारी समझ में आ जाएगा, ये लिख दिया Cl3CH। एक ही बात है, क्लोरोफॉर्म ही है। अब जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये H ये OH आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? H2O, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जो यौगिक बनेगा हमारा वो क्या बन जाएगा? CCl3 तो है ही है, और इसके साथ आकर के कौन सा यौगिक जुड़ गया? NO2 समूह जुड़ गया। कौन सा समूह जुड़ गया? NO2 समूह। इसको कहा जाता है एक कीटनाशक औषधि है। कैसी औषधि है? कीटनाशक। और इसका उपयोग युद्ध में किया जाता है, इसलिए इसको युद्ध गैस भी कहा जाता है। युद्ध गैस या वार गैस भी कहा जाता है। युद्ध गैस कहते हो, या युद्ध का मतलब होता है वार, वास गैस। और ये OHH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? H2O। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका अगर नाम दो तो ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन भी कह सकते हैं हम इसको, और इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, या वार गैस या युद्ध गैस में किया जाता है। तो इन दोनों के उपयोग बहुत बार पूछे गए हैं। युद्ध गैस का अणुसूत्र लिखो तो CCl3NO2, क्लोरेटोन का अणुसूत्र लिखो या निंद्राकारी औषधि का अणुसूत्र लिखो तो वो अणुसूत्र लिखना है, या एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएंगे, या क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ है? नाइट्रिक अम्ल के साथ। ये CHCl3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। और अभिक्रिया किसके साथ करवाई क्लोरोफॉर्म की? ये लिखा हुआ HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। और इसमें कौन से समूह का योग हुआ? NO2 समूह का योग हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, चारों अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब अगली अभिक्रिया है भाई अभिक्रिया नंबर 5, हुआ है हार्मोन कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये भी, जिसमें आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसमें होता क्या है, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन के साथ सारी माध्यम में कराई जाती है। प्राथमिक एमीन के साथ, प्राथमिक एमीन को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? RNH2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? CHCl3 की अभिक्रिया सारी माध्यम में, KOH भी ले सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, तो ये ले लिया KOH सारी माध्यम में, या KOH के अणुओं की संख्या ले ली हमने 3। कितने अणु ले लिए? 3। ये 3 KOH के अणु इन 3 Cl के साथ अभिक्रिया करके बना लेंगे KCl, 3KCl बन जाएगा। फिर ये H 2 है, एक ये 3 है, तीन ये है, तीन और तीन कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके H2O बना लेगा। ये कार्बन यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, क्या बन जाएगा? RNC प्लस क्या बन जाएगा? 3KCl प्लस क्या बन जाएगा? 3H2O। और ये RNC बना, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। और एल्किल आइसोसाइनाइड बनने के कारण अरुचिकर गंध आती है। कैसी गंध आती है? अरुचिकर गंध आती है, जो इसको प्रदर्शित करती है कि इसमें आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ है। और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सार के साथ करवाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है हार्मोन कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है, जानकारी में रखना। कार्बिन पर इसकी क्रियाविधि डिपेंड करेगी, वो भी देखेंगे। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, RNH2 का मतलब ये कौन सी एमीन है? प्राथमिक एमीन, या हम कह सकते हैं 1 डिग्री एमीन।
एक डिग्री एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? क्लोरोफॉर्म के सारे विलयन के साथ। ये तो क्या है? क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का विलयन कौन सा है? सारे विलयन, ये सारे NaOH या KOH ले लेते हो तो RNC बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। इस अभिक्रिया को कहा जाता है हाफमून कार्बिन एमीन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया की देखते हैं क्रियाविधि। क्या देखते हैं भाई? क्रियाविधि, इस किस प्रकार की क्रियाविधि होती है। तो यहां पर KOH है, ये सबसे पहले अपघटित होता है, KOH है वो अपघटित हो जाता है K प्लस में और OH माइनस, ठीक है। फिर ये OH माइनस है, इस क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? CHCl3। इसके साथ अभिक्रिया कौन करता है? OH माइनस। जब ये अभिक्रिया करता है, ये OH इस H को ले लेता है, बना लेता है H2O। क्या बना लेता है? H2O। पीछे क्या बचेगा? CCl3। पीछे क्या बच गया? CCl3। कार्बन पर तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए, एक लोन पेयर बन जाएगा। जैसे ही एक लोन पेयर बनेगा, इस पर आवेश कौन सा आ जाएगा? माइनस आवेश। कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस आवेश। अब ये माइनस आवेश आया तो ये अपने में से एक Cl को बाहर निकाल लेगा, अपने में से एक Cl को क्या कर लेगा? बाहर निकाल लेगा। ये है CCl3, एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन बटा सिनर्जी कोष में 5 हुए, इस कारण माइनस आवेश आया। इसमें से एक Cl माइनस निकल जाएगा बाहर। जैसे एक Cl माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पर पीछे क्या बच जाएगा? CCl2। और एक यहाँ पर क्या रह जाएगा? लोन पेयर। इसको बोलते हैं कार्बिन। क्या बोलते हैं भाई? कार्बिन। और इस ये क्योंकि अभिक्रिया कार्बिन पर निर्भर करती है, इसलिए इसको बोला जाता है हाफमोन कार्बिन एमीन अभिक्रिया। एक तो ये बना कार्बिन और एक ये किसके साथ अभिक्रिया होती है? प्राथमिक एमीन के साथ, इसलिए इसका नाम है हाफमोन कार्बिन एमीन अभिक्रिया। अब ये आगे अगले पद में क्या करता है कि ये CCl2 है, ये अभिक्रिया करता है प्राथमिक एमीन के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करता है? कार्बिन प्राथमिक एमीन के साथ। ये है प्राथमिक एमीन RnH2। किसके साथ अभिक्रिया करता है? CCl2 के साथ अभिक्रिया। ये दो Cl, ये Cl, सॉरी कार्बन, इस पर दो मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये आपस में जब अभिक्रिया करेगा यहां से बाहर निकल जाएगा HCl, यहां से भी बाहर निकल जाएगा HCl। और ये कार्बन है, इस पर आक्रमण कर देगा, ये बन गया RnC, RnC प्लस 2HCl। ये किसका निर्माण हो गया? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का निर्माण। ये हो गई इसकी क्या भाई? क्रियाविधि। इंपॉर्टेंट है KOH, K प्लस और OH माइनस। ये OH माइनस है वो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है CCl3 माइनस बनेगा। ये CCl3 है वो बनाती है किसका निर्माण करती है? कार्बिन का। कार्बिन प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया करती है, किसके साथ अभिक्रिया करती है? प्राथमिक एमीन के साथ। किसका निर्माण करती है? आइसोसाइनाइड का। अब देखते हैं हम अभिक्रिया नंबर 6। अगली अभिक्रिया भाई राइमेटिमान अभिक्रिया। कार्बिन एमीन अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि एमीन की अभिक्रिया होती है किसके साथ? या एमीन कार्बिन के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफमोन कार्बिन एमीन अभिक्रिया। फिर है राइमेटिमान अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में फॉर्मेलिडाइड है, सॉरी इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म है, वो क्लोरोफॉर्म फिनोल के साथ अभिक्रिया करता है, और फिनोल के साथ अभिक्रिया करता है बनाता है सैलिसिलिकैंडिएट, इसे कहा जाता है राइमेटिमान अभिक्रिया। उस तरह से अगली अभिक्रिया भाई राइमर-टीमान अभिक्रिया। क्या अभी कौन सी अभिक्रिया है? राइमर-टीमान अभिक्रिया, जो किसके रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत पड़ रहा है? क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म के। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनोल में सार के साथ करवाई जाती है, किसके साथ? फिनोल और सार के साथ करवाई जाती है, तो निर्माण होता है सल्सिलिक एल्डिहाइड का। किसका निर्माण होता है? सल्सिलिक एल्डिहाइड, जिसमें बनता है सल्सिलिक एल्डिहाइड, उस अभिक्रिया को कहा जाता है राइमर-टीमान अभिक्रिया, जो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें होता यह है कि फिनोल है, फिनोल का अणुसूत्र हम जानते हैं C6H5OH होता है, ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 और सार के साथ, सार का मतलब KOH, ये ले लिया KOH या NaOH ले सकते हैं। जैसे ही इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाएंगे तो अभिक्रिया करने पर यहाँ पर CH समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है। ये बेंजीन तो है ही है C6H5 और इसमें R तो स्थिति पर जुड़ जाता है CHO समूह। कौन सा समूह जुड़ जाता है? CHO समूह। इसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। CHO समूह का योग हो जाएगा, ये इसके साथ अभिक्रिया करके बना लेगा क्या? 3KCl। ये लिख दिया 3KCl और बाकी अणु में किसके रूप में निकल जाएंगे बाहर? H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, CH और
एक एच यहां से निकलेगा, ओ यहां से है ही है, दो और चार ओ मतलब टू एच टू ओ बाहर निकल जाएगा। ये हो गई अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? राइमेटिमान अभिक्रिया। इसके बाद में अगली अभिक्रिया, अभिक्रिया नंबर सात, वो है एजी सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया, सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया। सिल्वर पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाते हैं, एल्काइन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है भाई एल्काइन का, जैसे ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ओके ये सिल्वर पाउडर है, ये दूसरा है CHCl3। जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये Cl है वो Ag के साथ अभिक्रिया करके मान लेते हैं AgCl। कितने Cl है? छह। तो Ag के भी परमाणु कितने प्रयुक्त होंगे? छह। फिर पीछे क्या बचा? CH, तो ये CH ट्रिपल आवर्त CH, और बाहर क्या निकल जाएगा? माइनस का 6 AgCl। तो किसका निर्माण हो जाएगा? एल्काइन का। किसका निर्माण हो जाता है भाई? एल्काइन का। तो हम ये कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया करता है, किसका निर्माण होता है? एल्काइन। एल्काइन में कौन सा एल्काइन बन जाएगा? एथाइन का निर्माण हो जाएगा। लास्ट एक अभिक्रिया इसमें और पढ़ लेते हैं, वो है एल्कीन के साथ अभिक्रिया, एल्कीन के साथ अभिक्रिया। और ये एल्कीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तब परोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में? परोक्साइड की उपस्थिति में। जैसे ये है एथीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? CHCl3, ओके। और ये अभिक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में होती है? परोक्साइड की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति में होती है भाई? परोक्साइड की उपस्थिति। जब परोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन की अभिक्रिया करवाते हैं, ये असमित अणु है, द्विबंधित है, और परोक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन शनि, और ये CCl3 माइनस कौन सा शनि हो गया? नाभिक शनि। तो ये नाभिक शनि अभिक्रमक उस बहुबंधित कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, मतलब अंतिम उत्पाद यहां पर हमें कौन से नियम के अनुसार प्राप्त होगा? एंटी मार्कोनिक नियम या खराश प्रभाव, उसकी विस्तृत व्याख्या पीछे वाले लेसन में या क्लास में हमने पढ़ी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, कर लेना अधिक मान से। तो ये यहां पर चला जाएगा तो बन जाएगा क्या भाई? यहां तो आ जाएगा एच, ये बन जाएगा CH3, यहां पर क्या हो जाएगा? CH2, यहां CH2 है ही है, फिर आगे क्या हो जाएगा? CCl3, ये बन गया अंतिम उत्पाद। और अंतिम उत्पाद किसके अनुसार प्राप्त होता है? एंटी मार्कोनिक नियम के अनुसार प्राप्त होता है, जिसका नाम हो जाएगा 111 ट्राइक्लोरोब्यूटेन। क्या बन जाएगा भाई? 111 ट्राइक्लोरोब्यूटेन। ये तो हो गए इनके कौन से गुणधर्म? रासायनिक गुणधर्म। अब हम पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म के उपयोग, दो चार उपयोग देखते हैं CHCl3 के उपयोग कहां पर किया जाता है। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं हम बेहोश करने में, निश्चेतक करने में। किसमें इसका उपयोग किया जाता है? किया जा सकता है निश्चेतक करने में, बेहोश करना है उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर दो, निंद्राकारी औषधि बनानी है, मतलब किसका निर्माण करना है? क्लोरोटोन का, क्लोरेटोन का। निंद्राकारी औषधि बनानी है उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। एक किसमें किया जा सकता है? कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है, कीटनाशक। अभी हमने देखा था कीटनाशक में एक बनाई थी CCl3NO2, क्लोरोना ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन का निर्माण किया था वो, या युद्ध गैस या बार गैस कह सकते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। नंबर चार, इसका उपयोग किया जाता है कार्बनिक विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगर कोई कार्बनिक विलायक के रूप में या अद्वितीय अणु है उसको घटना है, उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर चार, इसका उपयोग किया जाता है आइसोसाइनाइड के निर्माण में, किसके निर्माण में किया जाता है? आइसोसाइनाइड के निर्माण में किया जाता है। आइसोसाइनाइड बनाना है किसका उपयोग किया जाएगा? क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। एक और लेख रहता है, अगर इससे प्राणायाम है किसी भी प्रकार की एल्काइन ट्रिपल आवर्त वाली, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है, औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये क्लोरोफॉर्म के हो गए उपयोग। ये तो हो गए भाई क्लोरोफॉर्म के उपयोग, जिसमें रासायनिक गुणधर्म में बैठे थे उनके अनुसार हम लिख सकते हैं अलग अलग इनके उपयोग है। हमने आज पढ़ा वो था क्लोरोफॉर्म ट्राइहैलो व्युत्पन्न के अंतर्गत आता है, उसके सबसे पहले पढ़ा विचरण की विधियां, कौन कौन सी विधियों के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, फिर उसके पढ़े भौतिक गुणधर्म, फिर पढ़ी उसकी शुद्धता का परीक्षण, फिर पढ़े हमने रासायनिक गुणधर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक गुणधर्म है चार पांच प्रकार की। एक हमने यहाँ रिएक्शन की क्रिया विधि भी पढ़ी है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, राइमेटिमान अभिक्रिया, आगे और भी पढ़ेंगे, जानकारी में आया होगा आशा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।